The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar adab sat Kal Dosto I am Dr. Paramjeet. You are watching Doctor Education. यह है वो चैनल जिसमें आपको सारी की सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन सिंपलीफाइड भाषा में बहुत ही ज्यादा प्यार से बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाई जाती है भाई कुछ लैंग्वेज होती है कुछ तो भाई आउट ऑफ द कंटेक्सट अब जो फॉरेन लैंग्वेज है वो तो उसको उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना तो इसलिए जितना हो सके समझ लेना चाहिए सो दैट्स द थिंग सो आज हम सामने आपके लेकर आए हैं लिम्फ नोड लिम्फ नोड क्या होता है ये लिम्फ नोड कई बार आपने देखा होगा आपके एक्सरे में, में, में या आपके सिटी स्कैन में अल्ट्रासाउंड में ऐसे ही जाके डॉक्टर कहता है ये लिम्फ नोड बहुत हुए हैं आपके यहां लिम्फ नोड सूझे हुए हैं टीबी तो नहीं है यहाँ लिम्फ नोड सुझे हैं पैरों में लिम्फ नोड नोट सूढ़े लिम्फ नोड क्या है सर और ये लिम्फ नोड गांठ होती है गांठ गांठ हर जगह गांठ गांठ दिखने लग सकती है कईयों को तो यह लिम्फ नोड क्या है भाई साहब कोई ना बताता आपको हम बताएंगे लिम्फ नोड आपके पूरे शरीर में फैले हुए हैं ये चप्पे चप्पे पे है ये चप्पे चप्पे पे तैनात आपके सैनिकों के दल हैं सुन लीजिए ये सैनिकों के दल हैं जी हाँ सैनिकों के दल आपके सैनिक कौन है सैनिक है आपके डब्ल्यू बी सी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आपके खून के अंदर अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स फलाना फलाना रनकर बहुत सारे सेल है खून के अंदर समझाए हमने पहले अगर आप लगातार वीडियो नहीं देखते हैं तो गलती हमारी नहीं है आपको रोज वीडियो देखनी चाहिए और सोलन लिम्फ नोड भी एक अलग चीज है वो बात ना था लिम्फ नोड क्या है लिम्फ नोड पूरे शरीर में फैले हैं ये आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी जो लिम्फोसाइट्स हैं लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स एक आपके इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट तो लिम्फ नोड आपके दल हैं सुरक्षा दल मतलब एक जुट है जगह जहां पर उनका बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम लिव नोट हेल्प योर बॉडी रेकग्नाइज एन फाइट जमकग्नाइज एन फाइट जम्स पहचान के मारेंगे क्योंकि पूरे देखिए ऐसा तो नहीं करते हैं कश्मीर में बॉर्डर में बॉर्डर है तो वहां पर फोर्स दे दी नीचे कन्याकुमारी में कुछ ना है ऐसा नहीं पूरे बॉर्डर में फोर्स देना पड़ता है वही वो अलग बात है देखिए लेकिन यहाँ पर बात तारी है क्या लिम्फ नोड पूरे के पूरे शरीर में है क्योंकि हर जगह से कहीं ना कहीं से कीटाणु बैक्टीरिया वायरस आ सकत है बात ऐसी है इसीलिए लिम्फ नोड क्या करते हैं आपके शरीर में किसी भी आने वाले इंफेक्शन जर्म्स कीटाणु फॉरेन सब्सटेंस इन सबको रेकग्नाइज करते हैं और फाइट करते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ योर पुलिस वालाज द तो पुलिस इन योर ब्लड आर डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी इज वाइट ब्लड सेल्स अगर आपको नहीं पता लिम्फोसाइड ल्यूकोसाइड न्यूट्रोफेल्स ये सारे मिला के लिंफोसाइड्स होते हैं राइट तो अगर कभी अगर कभी आपके शरीर में किसी हिस्से में किसी अब अब बात क्या है लिम्फ नोड की एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब ये किसी हिस्से में सूजन आती है लिम्फ नोड क्यों बढ़ जाते हैं इसको समझते हैं अब ऐसा है ना एक जगह की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या एक जगह का दल का एक लिमिटेड एरिया हो सकता है, है कि नहीं वो लिमिटेड एरिया में ही अपने छापे मार सकती हैं निगरानी रख सकते हैं कंट्रोल रख सकते हैं वो पूरी दुनिया में तो नहीं कर सकते कब है कि नहीं सेम सेम वे वे होता क्या है कि लिम्फ नोड की भी एक ड्रेनेज एरिया है लिम्फ और नोड ये दो अलग चीज लिम्फ है ना जैसे ब्लड है ब्लड जैसा एक लिक्विड है उसको लिम्फ कहते हैं लिम्फ और लिंफोसाइट जो है वो ये लिम्फ में भी ट्रैवल करते हैं और ब्लड में भी ट्रैवल करते हैं तो लिम्फ जो है लिम्फ में जो जो लिम्फ आता है लिम्फ का मतलब क्या आपके टिश्यूज में ब्लड जाता है टिश्यू में ब्लड जाता है ब्लड वहां से आर्टरीज आर्टरीज लेके जाती है अच्छा खून फिर वहां से क्या होता है वो फैल जाता है टिश्यू में भर जाता है टिश्यू पूरा ब्लबा लब ब्लड अब ब्लड हो जाता है और फिर उसके बाद वहां से वेन्स लेके वापस हार्ट को चले जाती है अब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत रह जाता है फ्लूइड वो फ्लूड जो है वो फ्लूइड निकालता है लिम्फ वो लिम्फ फ्लूइड होता है वो लिम्फ फ्लूड भी धीरे धीरे लिम्फैटिक वेसल से वापस आपके हार्ट में आता है वेन में वापस आपके हार्ट के राइट साइड में आता है वेन वाले सिस्टम में ब्लड नॉन ऑक्सीजनेटेड सिस्टम में इस लिम्फ का काम है यहाँ पर इस चीज़ों को लिम्फ नोड्स के अंदर भरना लिम्फ नोड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है सो लिम्फ हो गया पता चल गया लिम्फ नोड पता चल गया लिम्फोसाइट्स पता चल गया अब ये क्यों बड़े होते भैया सिंपल सी बात है कहीं भी अगर आपके कोई भी एरिया में कहीं पे बम विस्फोट होगा कोई आतंकवादी हमला होगा तो वहां के जो पुलिस वाले हैं वहां की जो पुलिस थाना है उसको भरा तो जाएगा और फोर्स लाओ बैकअप मंगाया जाएगा वही हो रहा है वही हो रहा है जहां भी आपके शरीर में इंफेक्शन होगा बैक्टीरिया होगा वायरस होगा अगर वो ज्यादा होगा तो लिम्फ नोड बड़े होते जाएंगे वो सिग्नल देके लिम्फोसाइट्स को बुलाएंगे और लिम्फ नोड खुद लिम्फोसाइट्स नंबर नंबर उसमें बढ़ते जाएंगे सो बहुत सारा लिम्फ नोड बड़ा हो गया सो सोलन लिम्फ नोड जमेंट ऑफ वन और मोर लिंफ नोड इज कॉल्ड सोनलोड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन मेडिकल लैंग्वेज मेडिकल लैंग्वेज है कहीं ना कहीं आपके रिपोर्टों में लिखा होगा लिंफ अडीनोपैथी ठीक है बच्चों में बड़ों में दोनों में हो सकता है बच्चों में अगर नोड एनलार्ज होता है मोर देन वन सेंटीमीटर वाइड एक सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो उसको हम लिम्फेडिनोपैथी बोल सकते हैं सबसे कॉमन कहाँ मिलते हैं ये कौन कॉमन कॉमन जगह कहाँ है यहां पैंट के आसपास लॉइन एरियाज में ये इधर नीचे नीचे वाले एरिया में जहां खुजली करते हो खुजली करने वाले वहां पर उसको ग्रोइंग ग्रॉइंग एरिया और आम पेट में और नेक में गले में अंडर द जॉ अंडर द जॉ बिहाइंड द ईयर एंड बैक ऑफ द हेड इन जगहों पे सबसे कॉमनली लिम्फ नोड बड़े पाए जाते हैं जो आपको हाथ से फील हो जाएंगे कैन फील विद योर फिंगर अगर वो बड़े हो तो कई बार ऐसा भी होता है एक दो बार इन्फेक्शन हुआ बड़े हो गए जुट पुलिस वाले पुलिस क्या हुआ ज्यादा लंबा जैसे कोरोना हो गया कोरोना जैसे इंफेक्शन आ गया तो वहां सिस्टम बड़ा कर दिया गया बहुत पुलिस वाले रख लिए और फिर क्या हुआ कोरोना ठीक हो गया लेकिन फिर भी उतने पुलिस वाले वहां है ही वही है पता आग नहीं आगे काम आए ना आए तो वहीं रहो सेम वे इन्फेक्शन खत्म होने के बाद कई बार लिम्फ नोड छोटे हो जाते हैं कई बार वो वैसे के वैसे रह जाते हैं कई बार उसको बहुत समय लगता है छोटे होने में सिंपल कॉन्सेप्ट समझो पुलिस वाले हैं वो आपके ठीक है तो लिम्फ नोड बड़ा होने पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंफेक्शन लिम्फ नोड में घुस जाता है पुलिस स्टेशन में हमला पुलिस स्टेशन में हमला ये भी हो सकता है सो लिम्फ नोड में हमला हो सकता है दैट इज देयर अब इसके कारण क्या होंगे लिम्फ नोड बड़े होने के कारण क्या होंगे लिम्फ नोड के कारण हो सकते हैं कई सारे नंबर वन इधर किधर है तो कान में इंफेक्शन इधर 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 किधर है तो कान में इन्फेक्शन ढूंढना पड़ेगा कहीं भी दांत के अंदर इंफेक्शन हो सकता है दांत में एब्सेस हो सकता है इंपैक्टेड टूथ हो सकता है सिंपल कोल्ड फ्लू और इवन कोरोना के इंफेक्शन में लिम्फ नोड बड़ा मिल सकता है जी हाँ और गम जिंजिवाइटिस गम स्वेलिंग में हो सकता है मोनोन्यूक्सिस माउथ अल्सर्स मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं उसमें लिवनोट बड़े हो सकते हैं टॉन्सिलाइटिस में हो सकता है ट्यूबर में हो सकता है चमड़ी के इंफेक्शन में हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में हो सकता है एच में हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है ल्यूकीमिया जैसे स्किन ब्लड कैंसर में हो सकता है और तो और हो सकता है ये हॉचकिन्स डिजीज नॉन हॉचकिस डिजीज ऐसे कई सारे कैंसर जैसी बीमारियों में भी ये हो सकता है तो याद रखिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड और इसमें कई सारी बीमारियों में लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है हो जाती है तो हो जाती है अभी कुछ नहीं कर सकते दैट इज देर सो व्हाट एल्स सो लिम्फ नोड की स्वेलिंग इसके अलावा टाइफॉइड कुछ और चीज़ों में इम्यूनाइजेशन के वजह से भी कुछ दवाओं से भी मेरा कहने का मतलब है कुछ दवाओं से भी लिम्फनोड बड़े हो सकते हैं टाइफॉइड की वैक्सीन लिया तो भी लिम्फनोड बड़ा हो सकता है टेम्प्ररीली और दौरे की दौरे वाली बीमारी उसको उसकी जो दवा होती है फिनेटॉइन सीजर मेडिसिन सीजर डिसऑर्डर मिर्गी के दौरे वाली फिनेटॉइन नाम की उससे भी कभी कभी लिम्फनोड बड़े हो सकते हैं याद रखिए इन सारी बीमारियों में हर बार लिम्फ नोड बड़े होंगे जरूरी नहीं है पर कभी कभी यानी बीमारी बड़ी होती है तो लिम्फ नोड बड़े होते हैं वेरी सिंपल छोटे मोटे चोर चुक्का करके चो उसके लिए पुलिस वालों को बुलाने की जरूरत नहीं होती उसके लिए तो वो थप्पड़ मार के हटा दे चल है कि नहीं या फिर जेल में आप पे सजा दे देते हैं या फिर वो कोर्ट में तो है ही तो वो बात ही बात है तो लिम्फ लिफनोड आर स्वेलेंट डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी पार्ट्स इन वर्ल्ड कहाँ पे इन्फेक्शन है और जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां के लिम्फ नोड होंगे लंग्स में होंगे तो यहाँ का इन्फेक्शन इसलिए ट्यूबर क्लोसिस में यहाँ का लिम्फ नोड देखा जाता है इधर वाला और वो ज़्यादातर पेनलेस हो सकते हैं कभी 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 स्लोली पेनफुल हो सकते हैं अगर उसमें कोई लिफ नोड के अंदर भी कैंसर हो सकता है ये याद रखिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर मान लो छाती में कैंसर है तो वो छाती का कैंसर लिम्फ के लिम्फ के थ्रू जो लिम्फ के वेसल्स के थ्रू जाके लिम्फ नोड में फैल सकता है दैट इज़ द पॉसिबिलिटी सो इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या बला है लिम्फ नोड क्या बला है और लिम्फ के अंदर किस प्रकार से दिक्कत जा सकती है ठीक है So that is there. उसके बाद अब बात आती है कि चलो लिम्फ, लिम्फ समझ गए होम केयर क्या करना घर में कैसे रखना अगर कहीं पर भी आपको कोई पेनफुल लिम्फ नोड है तो इसका मतलब है बॉडी इज फाइटिंग एन इन्फेक्शन तो उसके लिए क्या करना है अगर तो कोई दिक्कत है जो भी दिक्कत है चाहे गले में खराबी अगर दो चार दिन में ठीक हो जाती है तो ठीक है आपके को, जो भी इलाज आप कर रहे हो वरना क्या करना है सीधा सीधा अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाना है और लिम्फ नोड को ये नहीं सोचना कि दो दिन में ठीक हो जाएगा उसको कई हफ्ते लगते हैं ठीक होने में कुछ हफ्ते कई हफ्ते कई बार दो हफ्ते कई बार चार हफ्ते कभी छह हफ्ते तो कई बार आठ हफ्ते कई बार दो महीने कभी तीन महीने सो 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 इट इट टेक्स टेक्स टाइम टाइम रिलैक्स रिलैक्स अगर लिम्फ नोड छोटे नहीं हो रहे बड़े होते जा रहे हैं लिम्फ नोड लाल है दबाने से दर्द हो रहा है हार्ड है इरेगुलर है या एक जगह चिपक गए हैं फिक्स हैं या फिर फीवर है बहुत ज्यादा अनएक्सप्लेन वेट लॉस है तो या फिर बच्चा जो है उसका लिंफनोड एक सेंटीमीटर से ज्यादा है तो अपने डॉक्टर को या बच्चे के डॉक्टर को जाकर दिखाएं यह आपका काम है और वो डॉक्टर क्या करेगा आपका चेकअप करेगा ब्लड टेस्ट करेगा लिम्फ नोड की बायोप्सी ले सकते हैं उसमें सुई डाल के जांच कर सकते हैं एक्सरे कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं लिवर स्प्लीन का स्कैन कर सकते हैं कि कहीं लिवर स्प्लीन में सूजन तो नहीं है उससे पता चल जाता है आपको बीमारी क्या है जो बीमारी होगी मलेरिया टाइफॉइड जो भी आपकी बीमारी हो गला खराब इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस कोरोना उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा बात खत्म अगर समझ में आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से रिमाइंड करके देखिए और फिर लाइक एंड शेयर एंड एनी क्वेश्चन प्लीज डू आज एम डॉक्टर परम जी दिस इज डॉक्टर एजुकेशन थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हाउ वी